और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड ETF में आपके लिए किस तरह से निवेश के मौके हैं और क्या आपको गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर गोल्ड ETF है क्या, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड ETF में, तो उससे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि गोल्ड ETF आखिर है क्या। गोल्ड ETF एक्सचेंज एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और इसमें आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सुविधा यहाँ पर दी गई है। ट्रेडिंग के दौरान फंड की खरीद बिक्री मुमकिन है, आप फंड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसकी वैल्यू तय होती है, डिमांड सप्लाई के आधार पर वैल्यू को तय किया जाता है। और साथ ही फंड की NAV गोल्ड की कीमतों के साथ जुड़ी रहती है, तो ये एक एडवांटेज है। गोल्ड की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा सोने फंड की कीमत गोल्ड की कीमतों पर डिपेंड करता है और डीमैट अकाउंट के जरिए इसमें खरीद बिक्री संभव है। अगर आप ETF में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब आपको हम 10 बड़े फायदे बताने जा रहे हैं कि गोल्ड ETF के 10 बड़े फायदे क्या हैं जिसमें आपके लिए निवेश करना बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिट खरीद की कोई सीमा नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में एक लिमिट तय की गई है लेकिन इसमें कोई लिमिट तय नहीं है। बॉन्ड की तरह ETF में निवेश की कोई सीमा तय नहीं है। इंट्राडे मूवमेंट में भी पैसा कमाने का मौका है। अगर इंट्राडे में मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो आप उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी सस्ता है और सोने को सुरक्षित रखने के जोखिम से आज़ादी मिलती है। फिजिकल गोल्ड रखने के मुकाबले ETF में ट्रेड करना या फिर ETF रखना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा ज्वेलरी की तरह इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। और साथ ही अगर हम देखें तो एंट्री और एग्जिट फिजिकल गोल्ड से ज़्यादा आसान है। अगर आप इसमें खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीदने और बेचने के मुकाबले ये ज़्यादा आसान है और मध्यम से लंबी अवधि के लिए ये निवेश बेहतर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास रकम कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो छोटी रकम में भी आप निवेश करके ETF के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये 10 बड़े फायदे हैं गोल्ड ETF के। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। बीरेन वकील, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से गोल्ड का मार्केट अभी दिख रहा है, ऐसे में गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा अभी? रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये विंडो अच्छी है और ख़ास करके जिन लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है वो SIP के जरिए इसमें काम कर सकते हैं। इसकी इम्पैक्ट कॉस्ट रिलेटिवली कम है और स्टोरेज और वो झंझट भी नहीं है। रिटेल के लिए मैं ये ऐसा मानता हूँ कि इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, तरुण आपका व्यू क्या होगा? अगर गोल्ड ETF में कोई निवेश करना चाहते हैं, तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पर हैं, आधे ग्राम से एक ग्राम तक की यूनिट अवेलेबल है, क्या आपको लगता है कि अभी गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है फेस्टिव सीजन से ठीक पहले? जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कीम है। हमने देखा है 2008 से 2012 तक इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा फंड आया था एंड 2012 से लेकर 16 तक हमने देखा जो फंड का साइज़ था वो 1/3 रह गया। मेन कारण क्या है कि 2012 से लेकर 16 के बीच में गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से विड्रॉल कंटिन्यूसली बना रहा, जो कि अभी करंटली 5000 करोड़ के आसपास है। क्योंकि अभी जो गोल्ड का आउटलुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर गोल्ड ने काफ़ी अच्छा फॉर्म किया एंड आने वाले 3-4 साल में गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स देखे जाएंगे। सर्टेनली इसमें पार्टिसिपेशन फर्दर देखा जाएगा एंड जो इन्वेस्टर जो फिजिकल में नहीं गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं एंड जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहद अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन गोल्ड बॉन्ड से आ जाता है क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में जो 2.5% का रिटर्न दिया जाता है वो इधर नहीं है, बट क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग दिस फंड इज प्रीटी लो, सर्टेनली स्मॉल इन्वेस्टर कैन गो फॉर इट। ओके, तो छोटे निवेशकों के लिए जैसा कि तरुण कह रहे हैं कि ये एक अच्छा मौका होगा इसमें इन्वेस्टमेंट का, तो आप भी प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए कम जोखिम के साथ अच्छा खासा मुनाफा वाला एक ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन वकील, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या है? नेचुरल गैस शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 194 के आसपास 198 का स्टॉप लॉस रहेगा और 188 का टारगेट रहेगा। तरुण, आपकी रैपिड फायर कॉल? गोल्ड ने शॉर्टर टर्म में 30,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है, बेस बनाया है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा आई थिंक बाय साइड कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके स्टॉप लॉस के साथ मैं बाय करना प्रेफर करूंगा एंड मेरा अपसाइड टारगेट 30,500 रहेगा। आपकी आखिरी कॉल बीरेन?
मेटल्स में अगर डिप करेक्शन आता है तो 202 के आसपास जिंक बाय करूंगा, जी 206.50 का टारगेट रहेगा और 201 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।